सीएम राइज स्कूल में प्रवेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और स्टेशनरी सामग्री का वितरण कर परिसर में फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। शिक्षा सत्र के प्रवेश उत्सव के दौरान छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशियां दमक रही थी। प्रवेश उत्सव की कड़ी में नेशनल हाईवे 52 के ग्राम चिड़ावत के शासकीय उच्चतर विद्यालय कक्षों में सीएम राइज स्कूल और मुख्यालय के अनेक शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालयों के अलावा शासकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षक शिक्षिकाओं, ग्रामवासियों और पालकों की मौजूदगी में सभी विद्यार्थियों का शिक्षिका ने तिलक लगाकर पुष्पमालाओं से स्वागत किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी मालवीय। कौन सी क्लास में एडमिशन लिया आपने? 9th में। अच्छा, अपने आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कपिल पटेल। कौन सी क्लास में प्रवेश लिया आपने? 9th। देखिए, जो आज ये सीएम राइज नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है, वैसे तो बहुत खुशी की बात है कि पूरे देवास ज़िले में, लगभग इधर पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव में सीएम राइज का चयन हुआ जी। और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जी। और जहाँ तक गरीब बच्चों का सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है। उन्हें एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल की तगड़ी फीस से वो नहीं दे पाते थे, उनको इस विषय में बहुत लाभ होगा। थैंक यू। 275 स्कूलों में हमारा चिड़ावत स्कूल को चयनित किया गया जी। और यहाँ पे बहुत लोग प्रवेश के लिए उत्साहित हैं और लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर कक्षा, ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कक्षा 6 से 12 तक के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण कार्य होगा। और यहाँ से प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर भी वो भी सीएम राइज की ये एंकर शाला है, वो कैंपस टू है, जहाँ पे 1st से लेकर 5वीं तक बच्चों का शिक्षण कार्य होगा। और यहाँ परीक्षा के द्वारा अच्छे दक्ष और चयनित शिक्षकों का चयन हुआ है। मेरे यहाँ सभी लगभग हर विषय के शिक्षक आ गए हैं, एक दो शिक्षकों की कमी जो जल्दी पूरी हो जाएगी। और आज हमने यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पुरस्कार दिए गए हैं कि इन्होंने क्या अच्छा किया है। दूसरा, पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया है, तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। और नियमित कक्षा यहाँ पर लगेंगी और बसें शासन के द्वारा उपलब्ध जल्दी ही करा दी जाएंगी, जिससे यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर तक के बच्चों को इन बसों की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र व पालकगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, टोकखुर्द।